और अब बात करते हैं खरगोन की, जहां के नूतन नगर में संचालित हो रही रिया कला मंच के द्वारा 2 दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। शनिवार को प्रदर्शनी का शुभारंभ समाज सेवी शालिनी रतूरिया ने किया। वहीं प्रदर्शनी में 3 कमरों में संस्था से जुड़े चित्रकारों की बनाई गई पेंटिंग से दीवारें पटी हुई नजर आई। इन पेंटिंग्स में बच्चों के साथ युवा कलाकारों ने अपनी कला के विभिन्न रंगों को उकेरा, जहाँ प्रकृति की सुंदरता, मनुष्य की सोच, आध्यात्म, सामाजिक, भगवानों के चित्र आदि विषयों पर कलाकारी दिखाई। अपनी कल्पनाओं को ब्रश के जरिए कैनवास पर और रंगों के प्रभाव से मनभावन चित्र उकेरे हैं। मुख्य अतिथि रतोरिया ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि प्रदर्शनी में एक से बढ़कर एक चित्र लगाए गए हैं, जो चित्रकारों की अद्भुत प्रतिभा को प्रदर्शित कर रही है। इस आयोजन एवं इस कला को मंच देने के लिए रिया कला संस्था बधाई के पात्र है। इस दौरान उन्होंने संस्थापक परविंदर सिंह छाबड़ा से बताया कि 26 जून को संस्था के द्वारा चित्र प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसका पुरस्कार वितरण 3 जुलाई को विशेष अतिथि के द्वारा किया जाएगा। इस दौरान आर्ट डायरेक्टर सुरमीत कौर छाबड़ा एवं गुरशित कौर उपस्थित रहे। विराट 24 न्यूज के लिए खरगोन से प्रकाश कर्मा की रिपोर्ट। Many congratulations to you all. चित्रकला देखने का अवसर मिला मुझे। खरगोन की प्रतिभा एक मंच पर दिखाई दे रही है। भारत में जो आर्ट है उसका बहुत विशेष महत्व है, और यह कला मंच सतत कई वर्षों से यहाँ बच्चों को ड्राइंग, पेंटिंग, कलरिंग, स्केचिंग में पारंगत कर रहा है। और आज जो यहाँ पेंटिंग्स देखने को मिली है तो बहुत अद्भुत हैं, क्योंकि यहाँ वाटर कलर, पेन शेडिंग, पेंसिल शेडिंग और कैनवास पेंटिंग, ऑयल कलर्स, ये सारा वर्क एक साथ जब देखने को मिला तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों का काम बहुत अद्वितीय है, और सारा पूरा टीम और उनके विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इतना अच्छा काम करवा दिया।